कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों ने बड़ी राहत दी है। पिछले 24 घंटों में 25,166 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों का यह आंकड़ा 154 दिनों बाद सबसे कम रहा। पिछले 50 दिनों से लगातार 50,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस घटकर 3,69,886 रह गए, जो कि 146 दिनों में सबसे कम है। कोरोना की रिकवरी दर 97.51% हो गई। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,166 नए कोरोना केसेस आए और 437 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 15 मार्च को 24,492 केसेस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,830 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं, यानी कल 12,101 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,22,50,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,32,079 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,14,48,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4,00,000 से कम हो चुकी है। कुल 3,69,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले हर दिन केरल में देखे जा रहे हैं। बीते दिन भी आधे से ज्यादा केस केरल में आए। सोमवार को कोरोना के 12,294 नए मामले दर्ज किए गए और 142 संक्रमितों की मौत हो गई। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,02,000 हो गई। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 18,743 पर पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 18,542 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह कहा कि राज्यों को वैक्सीन की 56,81,00,000 डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 2.25 करोड़ से ज्यादा डोज अब भी राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के पास मौजूद है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।